5 मिनट है आपके पास, मुझे कुछ बात करनी है आपसे। होटल में खाना खाने के बाद बिल देखा, तब उसमें खाने का बिल, सर्विस चार्ज और जीएसटी था। पहले तो मैंने ये चेक किया कि जीएसटी नंबर उस बिल पर है कि नहीं। कई जगह एक्सपीरियंस आता है कि जीएसटी के लिए रजिस्टर किए बगैर ही जीएसटी लगाया जाता है। आप ये जीएसटी नंबर देखकर ही पेमेंट करते हो ना। अब बात आ गई सर्विस चार्ज पर। सर्विस चार्ज माइनस कीजिए, वो मैं देने वाली नहीं हूं। मैडम, होटल सर्विस इंडस्ट्री में आता है तो सर्विस टैक्स देना ही पड़ेगा। सर, जीएसटी आने के बाद सर्विस टैक्स कैंसिल हो गया है और आपने सर्विस टैक्स नहीं सर्विस चार्ज लगाया है। खाने की चीजों का बिल तो हम मेनू कार्ड के मुताबिक दे ही देते हैं, लेकिन खाना सर्व करने के चार्जेस, मतलब सर्विस चार्जेस, जो और कुछ नहीं, अलग नाम से हमसे डिमांड की गई टिप होती है। खाना खाने के बाद जो सर्विस मिली है उसे खुश होकर टिप देनी है या नहीं देनी है, और देनी भी है तो कितनी देनी है, ये हम डिसाइड करेंगे ना। जो बिल अमाउंट है उसके 10% टिप दो, ऐसा कंपल्शन आप खुलेआम नहीं कर सकते। सर्विस चार्ज देना या ना देना ये ग्राहकों की मर्जी का मामला है, ये सरकार का डिसीजन है, इसलिए सर्विस चार्ज हटा दीजिए। इतना बताने के बाद सर्विस चार्ज हटा दिया गया और मैंने बाकी का बिल पे किया। आपके बारे में भी ऐसा कभी हुआ है क्या? अगर ऐसा हुआ और आपका कहना माने बिना आपको सर्विस चार्ज देने के लिए मजबूर किया गया, तो आप नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन या स्टेट कंज्यूमर हेल्पलाइन पर कंप्लेंट कर सकते हैं। डे टू डे लाइफ में भी ऐसे कई सारी चीजें हमें पता ही नहीं होती, इसलिए हमारा नुकसान होता है। कोई भी खाने की चीज या दवा एक्सपायरी डेट देखकर ही आप खरीदते हो ना। कई बार ऐसा होता है कि एक के ऊपर एक फ्री का ऑफर देख के हम ललचा जाते हैं कि हम वो प्रोडक्ट खरीद ले। एक्चुअली उसमें होता क्या है कि एक के ऊपर एक पैकेट ऐसा चिपकाया जाता है कि बेस्ड बिफोर यूज वाली डेट अंदर की साइड हो जाती है। लेकिन अगर आपके पास उसका बिल है तो आप ऐसे मैल प्रैक्टिशनर्स को एक्सपायर्ड चीजें वापस करके पैसे ले सकते हैं, इसलिए बिल होना बहुत जरूरी है। एक बार मेरी एक फ्रेंड ने सोने का एक गहना खरीदा 22 कैरेट का और लॉकर में रख दिया। कुछ दिन बाद गोल्ड लोन लेने के लिए अप्लाई करते समय जब उसने वो गहना बाकी गहनों के साथ वैल्यूएशन के लिए दिया, तब उसे पता चला कि वो गहना 22 कैरेट का नहीं 18 कैरेट का है। पैसे तो उसने 22 कैरेट के दिए थे, लेकिन बिल था उसके पास, और बिल था तभी तो वो कंप्लेंट कर पाई ग्राहक पंचायत में और उसे उसके पैसे वापस मिल गए। साथ साथ उस ज्वेलरी शॉप के मालिक को जेल की हवा खानी पड़ी। हाँ, कई बार टैक्स बचाने के चक्कर में लोग कैश पेमेंट करके विदाउट बिल सोना या गहना खरीदते हैं, लेकिन कुछ चंद रुपए बचाने की लालच में वो लाखों का रिस्क उठाते हैं, ये उनकी समझ में नहीं आता। मेरे फ्रेंड के पास अगर बिल नहीं होता तो उस दुकानदार ने ही वो गहना बेचा है और उस पर लिखे हुए 22 कैरेट के पैसे देकर वो गहना खरीदा गया है, ये वो कैसे प्रूव कर सकती थी। छोटी छोटी चीजें होती है जो बड़े मायने रखती है, हमारी पर्सनैलिटी उसी से बनती है। अब आप ही सोचिए, जो चल रहा है वो चलने दो इस मेंटालिटी से जीना है, या बदलाव की अपेक्षा करते हुए खुद से शुरुआत करनी है। कानून बनते हैं हमारे लिए, हमारे अधिकारों की रक्षा के लिए। उसकी जानकारी लेकर जब जागृत होंगे हम, तब पूरे होंगे अरमान हमारे और खुशहाल जिंदगी जिएंगे हम। बस अब बहुत हो गया, अब खुद ही के लिए हम उठा लेंगे एक कदम। बचपन से सीखते तो आए हैं, अब उसे हम सब मिलकर साबित भी करेंगे कि कंज्यूमर इज किंग।